और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म संसद को लेकर बयान दिया है। मोहन भागवत ने कहा है कि हाल ही में धर्म संसद नामक एक कार्यक्रम में दिए गए कुछ बयान जो एक विवाद को जन्म देते हैं, वो हिंदू शब्द नहीं थे और हिंदुत्व का पालन करने वाले कभी भी उनसे सहमत नहीं होंगे। तो धर्म संसद पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया है। भागवत ने कहा है कि हाल ही में धर्म संसद नामक एक कार्यक्रम में दिए गए कुछ बयान जो एक विवाद को जन्म देते हैं, वो हिंदू शब्द नहीं थे और हिंदुत्व का पालन करने वाले कभी भी उनसे सहमत नहीं होंगे। और अभिषेक सिन्हा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। अभिषेक, बताइए और क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले में? दोबारा से अपने सहयोगी अभिषेक सिन्हा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अभिषेक, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो ये इस पूरे जो धर्म संसद को लेकर मोहन भागवत की तरफ से बयान दिया गया है, इस पूरे मामले में जरा विस्तार से हमें बताइए। तो आपको बता दें, एक बार दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक सिन्हा के साथ। लेकिन इस बीच ये जो बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, धर्म संसद को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत की तरफ से बयान आया है। मोहन भागवत ने कहा है कि हाल ही में धर्म संसद नामक एक कार्यक्रम में दिए गए कुछ बयान जो एक विवाद को जन्म देते हैं, हिंदू शब्द नहीं थे और हिंदुत्व का जो लोग पालन करते हैं वो उससे सहमत नहीं होंगे। तो लगातार आपको बता दें कि धर्म संसद में लेकर जो हेट स्पीच थी उसको लेकर जो विवाद था वो तूल पकड़ा हुआ था। और हमारे सहयोगी अभिषेक सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, इस पूरे मामले में जरा विस्तार से बताइए। देखिए, ये पूरा मामला शुरू होता है पिछले 2021 में, जब धर्म संसद एक हरिद्वार में आयोजन होता है, जिसके बाद उन्होंने एक दूसरे संप्रदाय के लिए काफी बुरे भले शब्द का प्रयोग किया, जो कि बहुत आपत्तिजनक था, जो हम बता भी नहीं सकते फोन पे आपको। उसके बाद एक मुकदमा दर्ज होता है और मुकदमा दर्ज होने के बाद दो लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, वो भी काफी लंबे समय के बाद गिरफ्तार किया गया। उसके बाद दोनों तरफ से FIR दर्ज होती है। फिर दूसरे संप्रदाय हेट स्पीच को लेकर हरिद्वार में एक और FIR दर्ज कराता है। तो इस तरह से आमने सामने की लड़ाई चलती गई। फिर रायपुर में होती है धर्म संसद। तो इस तरह की धर्म संसद को लेकर कोई भी सरकार, यानी अगर हम बीजेपी सरकार की बात करें, उत्तराखंड बीजेपी सरकार की बात करें, तो उन्होंने भी इस पर कोई सामने मौखिक रूप पे आके सामने कोई बात नहीं कही। इससे सभी लोग बसते हुए राजनीतिक, यहाँ जैसे चुनाव है तो राजनीतिक जितने भी लोग थे इससे बचते हुए नजर आए। आज जैसे कि आज उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के से बयान भी आ जाता है कि हिंदुत्व की जो लड़ाई, जो ये धर्म संसद है, ये इस तरह जो बयानबाजी हो रही है उससे हिंदुत्व का कोई मतलब नहीं है। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है कि जो ये लड़ाई धर्म संसद को लेकर चल रही है और आए दिन इसमें बयानबाजी हो रही है, और इसमें कांग्रेस और बीजेपी जो आमने सामने आने की स्थिति में थी, लेकिन दोनों ही पार्टियों को अगर मैं बात करूं उत्तराखंड में, तो इसमें कांग्रेस भी इस मामले को तूल नहीं दे रही है। इस समय अगर मैं कहूं, दो गिरफ्तारियों होने के बाद जब तक गिरफ्तारी नहीं हो रही थी तब तक तो बहुत तूल दिया जा रहा था, लेकिन इस समय उत्तराखंड में स्थिति ये बनी हुई है कि राजनीतिक कोई उठापटक ना हो जाए, कोई बड़ा ऐसा बयान ना जारी हो जाए जिसकी वजह से एक दूसरे को नीचा दिखाया जा सके और चुनाव में उसका फायदा लिया जा सके। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें कांग्रेस भी इसमें सीधे रूप से अब उठा नहीं रही है, जबकि FIR में, जो धर्म संसद की FIR में हेट स्पीच को लेकर बहुत सारे लोगों के नाम FIR दर्ज हुई थी और उसमें मात्र दो गिरफ्तारियां हुई, और अभी भी इस मुद्दे को कांग्रेस या विपक्ष कोई भी उठाने को तैयार नहीं है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं तो कितना इस समय गंभीर मुद्दा बना हुआ है, और राजनीतिक स्थिति को देखते हुए अभी सभी दल चुपचाप शांति के साथ बैठे हुए।
जी, सभी दल चुपचाप शांति से इस पूरे मुद्दे पर बैठे हुए हैं। विधानसभा चुनाव भी सर पर है और हमारे सहयोगी सिन्हा हमें बता रहे थे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों को ये भी बता दें कि संघ प्रमुख भागवत ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से ये जो बातें निकल कर सामने आई हैं वो न तो हिंदू और न ही हिंदुत्व का समर्थन करती हैं। साफ तौर पर कोई हिंदू और हिंदुत्व इस तरीके की बातों का समर्थन नहीं करता है, ये मोहन भागवत ने कही है और इससे असहमति भी जताई है। मोहन भागवत ने कहा है कि धर्म संसद जो निकली बातें हैं, जो हेट स्पीच की बातें की जा रही थी, वो हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा के अनुसार नहीं थी।